गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड टू लेसन्स एंड टू पोएम्स फ्रॉम योर फर्स्ट बुक दैट इज हनी कॉम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड बुक एन एलियन हैंड एंड वी विल रीड चैप्टर फर्स्ट अ टाइनी टीचर. बिफोर रीडिंग द लेसन वी विल डिस्कस सम वर्ड मीनिंग्स. वॉर्म, कॉमनेस्ट, फैक्ट्स, टाइनी, क्रिएचर, कंफर्टेबल, आंट हील्स, नर्सरीज, ग्रब्स, क्वार्टर्स, बैरिक्स, बाइट्स ऑफ, गेट रिड ऑफ, गार्ड, ट्रेनिंग, बीटल्स, ब्रीड्स, एलियन, सेंसेस, हनी ड्यू, सेंस ऑफ ड्यूटी, क्लीनलीनेस, फर्म, लॉयल्टी. नाउ लेट्स रीड द लेसन. द टाइनी टीचर. दो सो वेरी स्मॉल द आर्ट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. यानी कि बहुत छोटी होने के बावजूद जो चींटियां होती हैं वो अविश्वसनीय तरीके से बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी होती हैं. अमंग द वेरियस काइंड्स, विभिन्न किस्मों के बीच में द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक एंड ब्लैक और रेड. जो कॉमनेस्ट यानी कि सामान्य तौर पर देखी जाने वाली जो चींटी है वो काली और लाल होती है. आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स. चींटियां जो है वो आरामदायक घरों में रहती है जिनको आंट हिल्स कहते हैं. आंट हिल्स मतलब बॉम्बी. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. यानी कि सबसे बुद्धिमान और सबसे छोटे कीट जो आपने देखा है अब तक उसका नाम बताइए. इज इट द फ्लाई. क्या ये मक्खी है. नो. इज इट इजंट. नहीं ये नहीं है. इज इट द मॉस्किटो. क्या ये मच्छर है. नो नॉट द मॉस्किटो. मच्छर भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. वॉर्म यानी कि कीड़ा. तो फिर ये कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दीज. नहीं इनमें से भी कोई नहीं है. इट इज द आंट द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. यह आंट है चींटी है जो सबसे सामान्य रूप से दिखाई देती है. सबसे छोटी है पर सबसे बुद्धिमान कीट है जीव है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. और जो आंट के जीवन की कहानी है वो लगभग अनट्रू यानी कि झूठ प्रतीत होती है. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स. पर जो लोग हैं वो आंट्स को पेट के रूप में पालतू जानवर के रूप में रखते हैं. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और अब उनका जो प्रतिदिन का व्यवहार है वो निकट से देखते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए हम बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं इस छोटे और परिश्रमी और बुद्धिमान जीव के बारे में. बहुत कुछ फैक्ट बहुत सारी चीजें हम जान जाते हैं. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. जो आंट है जो चींटी होती है वो अपने एंटीना का यूज करती है. एक तरह से उसके ऐसे सिर पे होते हैं ये एंटीनाज जो वो हाथ की तरह उनको यूज करती है दूसरों से बातें करने के लिए और उनके द्वारा पासिंग मैसेजेस मैसेज पहुंचाने के लिए उनका यूज करती है. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. दीवार के ऊपर या नीचे की तरफ आते हुए चींटियों की एक लाइन को देखो. ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स. प्रत्येक आंट प्रत्येक चींटी एक दूसरे का स्वागत करती हैं जो सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन से जो चींटियां आती हैं बाय टचिंग देयर फिलर्स. अपने फिलर्स को टच करके यानी कि जो एंटीनाज होते हैं वो एक दूसरे के एंटीनाज को टच करती हैं. इस तरीके से वो एक दूसरे का स्वागत करती हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स. यानी कि विभिन्न प्रकार की चींटियां होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. और इनमें सबसे सामान्य जो चींटी देखने को मिलती है वो काली और लाल होती हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चाइल्डहुड. यानी कि हम उनको अपने बचपन से ही देखते हैं. बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. पर हम उनको काफ़ी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते.
वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम्स कोल्ड नेस्ट और आंट हिल्स, यानी कि वो अपने कंफर्टेबल आरामदायक घरों में रहती हैं जिनको आंट हिल्स कहते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस, और प्रत्येक घर में सैकड़ों छोटे छोटे रूम्स होते हैं और रास्ते होते हैं, पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स, और इन रूम्स में से कुछ रूम्स के अंदर जो रानी आंट है, रानी चींटी है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, यंग वंस मीन्स छोटे बच्चे जिसको हम ग्रब्स कहते हैं, यानी कि जो कुछ दूसरी हैं वो नर्सरी का काम करती हैं जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो यानी कि काम करने वाली मक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं, वो उनके क्वार्टर्स, उनके रूम्स अलग होते हैं, रिजर्व होते हैं, रिजर्व मीन्स उन्हीं के लिए निश्चित किए गए होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो भोजन की तलाश करने में व्यतीत करती हैं। सम रूम्स सर्व एज अ स्टोर, एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो फूड के लिए, भोजन को इकट्ठा करने के लिए स्टोर हाउस का काम करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, यानी कि कुछ चींटियाँ, सैनिक चींटियाँ भी होती हैं जिनके अलग से बैरक होते हैं, कमरे होते हैं। नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, और किसी भी काम करने वाली चींटी ने किसी सोल्जर के घर में, यानी कि किसी सैनिक मक्खी की मक्खी सैनिक चींटी के घर में कभी, मतलब उन्होंने आने की कोशिश नहीं की, रहने की कोशिश नहीं की। नो सोल्जर्स हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी जो सोल्जर चींटी है उसने कभी भी बाहर जाकर भोजन की तलाश करने की कोशिश नहीं की। नो वर्कर्स और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, और ना ही किसी काम करने वाली चींटी ने, ना ही किसी सोल्जर चींटी ने, और ना ही किसी क्लीनर ने, यानी कि साफ सफाई करने वाली चींटी ने कभी भी किसी ग्रब को, यानी कि किसी छोटे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। सो यू सी, इस प्रकार आप ये देखते हो, एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, कि एक आंट का जीवन, एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिप्रिय होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, प्रत्येक जो चींटी होती है वो अपना, अपने हिस्से का काम, शेयर ऑफ वर्क, बड़ी बुद्धिमानी से और बहादुरी से करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ, दूसरी चींटियों के साथ वो कभी भी लड़ाई नहीं करती। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, यानी कि चींटी के जीवन की कहानी जो है वो लगभग हमें अनट्रू लगती है, झूठ लगती है। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स ऑलमोस्ट अनट्रू, इट मीन्स हाईली एग्जेजरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यू हैव टू चूज वन आंसर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हियर आर टू स्टेटमेंट्स फॉर यू एंड यू हैव टू कंप्लीट देम योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन वट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल, किस तरीके से एक चींटी का जीवन शांतिप्रिय होता है। फॉर टूडेज होमवर्क यू हैव टू रीड दिस पोएम, सॉरी दिस चैप्टर टू और थ्री टाइम्स, एंड यू हैव टू लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग ऑल्सो। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन चेक, एंड द सेकेंड टुमोरो वी विल रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।